भूतिया पेन छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मत मारो मुझे। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तूने अपना जरूर बिगाड़ लिया है मुझे यहाँ लाकर। अब देख मैं तेरी जिंदगी का कैसे अंत करता हूँ। जिसके बाद भूत रोहित का गला दबाकर उसे मार देता है और बोलता है, ये कोई साधारण पेन नहीं बल्कि भूतिया पेन है, और इसे जो भी अपने पास रखेगा वो मारा जाएगा जिस तरह ये मरा है। इतना बोलकर भूत उसी भूतिया पेन के अंदर घुस जाता है। इस हादसे को कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन राजवीर पार्क में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर उस भूतिया पेन पर पड़ती है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाता है और रात के समय अपनी प्रेमिका काव्या के साथ बालकनी में बैठकर शेरो शायरी कर रहा होता है। इरशाद है, रूह से जुड़े रिश्ते पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, रूह से जुड़े रिश्ते पर फरिश्तों के पहरे होते हैं, लाख कोशिश कर लो इन्हें तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आजकल बहुत अच्छी शायरी करने लगे हैं जनाब आप। वैसे इतनी जल्दी ये हुनर आपने सीखा कैसे? कुछ नहीं जाने मन, बस सारा कमाल इस पेन का है। जब से ये मेरे हाथ में लगा है मैं अपने आप ही शायरी लिखने लगा हूँ। ऐसा लगता है कागज के पन्नों पर मैं इसे नहीं, ये मेरे हाथों को चलाता है। क्या मैं तुम्हारे उस पेन को एक बार देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, अभी तुम्हें लाकर दिखाता हूँ। जिसके बाद राजवीर अपनी डेस्क पर रखे पेन को उठाता है और काव्या के पास आकर उसके हाथों में दे देता है। पेन को देखकर काव्या बोलती है, अच्छा तो ये है वो पेन जिसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है। दिन रात तुम अपनी किताबी दुनिया में खोए रहते हो और मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं निकालते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इतना बोलकर काव्या पेन को घर से काफी दूर सड़क पर फेंक देती है, जिसके बाद वो राजवीर का हाथ पकड़कर उसे कमरे में सोने के लिए ले जाती है। आधी रात को काव्या के कानों में किसी की आवाज आती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अंदर के हादसे पर किसी की नजर नहीं, अंदर के हादसे पर किसी की नजर नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। कौन है वहाँ, सामने आओ। जिंदगी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मौत है। मैंने बोला कौन है वहाँ, सामने आओ। I said, who's there? Come to the front. तभी काव्या को दरवाजे पर किसी का साया दिखता है, जिसके पीछे काव्या कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी अचानक से उसके सामने भूत आ जाता है, जिसे देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। उसके माथे से पसीना छूटने लगता है और वो डर से थर थर कांपते हुए होठों से अपने बोलती है, कौन और यहाँ क्यों आए हो? मैं तेरी मौत हूँ और यहाँ तुझे मारने आया हूँ। तूने मुझे फेंकने की हिम्मत कैसे की? अब देख इसकी सजा मैं तुझे कैसे देता हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, बचाओ बचाओ राजवीर, बचाओ मुझे। काव्या की आवाज सुनकर राजवीर की आंख खुल जाती है और काव्या को बिस्तर पर ना पाकर वो बाहर की तरफ भागता है और उस खौफनाक मंजर को देखकर डर जाता है। तभी भूत उससे बोलता है, अच्छा हुआ तू भी आ गया, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब मैं एक झटके में ही तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगा। इतना बोलते ही भूत उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार देता है और फिर से अपनी भूतिया पेन में घुस जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन तीन दोस्त तान्या, वैभव और कार्तिक ऑफिस के काम के सिलसिले में मलेश्वर आते हैं और यहाँ उन्हें रहने के लिए ऑफिस की तरफ से एक बंगलो मिलता है। बंगलो को देखकर तान्या बोलती है, वाओ गाइस, ऑफिस वालों ने हमारे रहने का इंतजाम कितना अच्छा किया है, मुझे तो बंगलो को देखकर प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है। अब खड़े खड़े सिर्फ बंगलो को बाहर से ही देखते रहना है या अंदर भी चलना है? तुम दोनों यहीं खड़े होकर बात करते रहो, मैं तो चला अंदर। अरे यार रुक ना, मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद वो तीनों एक साथ बंगलो के अंदर जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह उठकर वैभव मॉर्निंग वॉक पर जाता है, तभी उसे सड़क पर वही भूतिया पेन गिरा मिलता है, जिसे वैभव हाथ में उठाकर बोलता है, अरे किसने अपना पेन यहाँ पर गिरा दिया? वैसे यहाँ दूर दूर तक तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा करता हूँ इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। इतना बोलकर वैभव पेन को अपने पॉकेट में रखता है और रनिंग करते हुए बंगलो पर पहुंचता है।
यहाँ आकर वो अपने दोनों दोस्तों को वो पेन दिखाता है। पेन को देखकर कार्तिक बोलता है, पेन को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये काफी समय पुराना है। वेल, मुझे बहुत सारा काम है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो यार। वैसे वैभव, ये पेन तुम्हें कहाँ से मिला? क्या मैं तुमसे ये पेन ले सकती हूँ? आज मैं इससे अपनी डायरी में लिखूंगी। हाँ क्यों नहीं, जब मैं रनिंग पर से घर लौट रहा था तभी ये पेन मुझे रास्ते में मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले चलूं। अच्छा किया ना? हाँ बहुत अच्छा किया। जिसके बाद वो सभी लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो सभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन सोने से पहले तान्या बेड पर बैठकर अपनी डायरी उसी भूतिया पेन से लिखने लगती है। तभी पेन से आवाज आती है, लिखो लिखो अपनी मौत की दास्तान लिखो, क्योंकि आज के बाद फिर दोबारा तुम लिख नहीं पाओगी। पेन में से डरावनी बात सुनकर तान्या झट से पेन को नीचे जमीन पर फेंक देती है। नीचे गिरते ही पेन में से काला धुआं निकलता है और उसी के साथ भूत बाहर आता है। भूत को देखकर तान्या बहुत डर जाती है और डरते हुए बोलती, भूत, तुम भूत हो? भूत नहीं, तेरी मौत। छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर? तुम जानना चाहती हो तो सुनो, तुम मेरे पेन से अपनी डायरी लिख रही थी, यही तुम्हारा कसूर है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पेन के लिए कोई भी आत्मा किसी की जान ले सकती है? हर चीज के पीछे कोई वजह होती है, और मुझे जानना है कि इस पेन से आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है, बताओ मुझे। इस पेन से मेरा रिश्ता बरसों पुराना है। मैं राइटर था और मेरी कहानियां सभी को पसंद थी, लेकिन मेरा ही एक दोस्त मुझसे जलता था, क्योंकि उसकी लिखी हुई कहानियों से उसको अभी तक कोई पहचान नहीं मिली थी। एक रात जब मैं घर पर कहानी लिख रहा था, तभी वो चुपके से मेरे घर में घुस आया और चाकू से गला काट कर मुझे मार दिया, और उसी वक्त बदले की भावना में मेरी आत्मा पेन में प्रवेश कर गई, और तभी से मैं लोगों को मार रहा हूँ। अब तुम भी मरोगी। इतना बोलकर भूत बेड पर ही तान्या का गला दबाने लगता है। तभी तान्या अपने दोस्तों को आवाज देती है, वैभव, कार्तिक, बचाओ मुझे, बचाओ। तान्या की आवाज सुनकर वैभव और कार्तिक उसके कमरे में आते हैं और इस खौफनाक मंजर को देखकर डर जाते हैं, और तान्या बोलती है, कार्तिक जल्दी से इस पेन को तोड़ दो, पेन के टूटते ही ये भूत अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तभी कार्तिक जल्दी से बेड पर रखे उस भूतिया पेन को उठाता है और दो टुकड़ों में तोड़ते हुए बोलता है, अब तेरा ये खूनी सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म। इतना बोलते ही कार्तिक पेन को तोड़ देता है। पेन के टूटते ही एक भयंकर आवाज और काले धुएं के साथ भूत खत्म हो जाता है और तान्या बच जाती है, और अब सभी एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। चुड़ैल का खूनी बदला। चार दोस्त जीप के पास खड़े होकर ड्रिंक कर रहे हैं, वो भी सुनसान सड़क पर। अबे और कितनी पिएगा, थोड़ी मेरे लिए भी बचा दे। क्यों, तूने अभी दो पी ली थी ना, ये मेरी वाली बोतल है। अरे मोहन और नील, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ये लो मेरी तरफ से दो बोतल और पी लो। यार अपना राजीव भाई सही है, पूरा स्टॉक लेकर आता है। अच्छा वो सब तो ठीक है, पूरी रात यहीं बितानी है या फिर अपने फार्म हाउस भी चलना है? बाकी इंजॉय वहाँ करेंगे मजे से, 3 साल से गए नहीं ना। ये बोलते ही चारों दोस्त अपनी जीप में बैठकर फार्म हाउस पर पहुँच ही जाते हैं, जिसका दरवाजा खोलते ही अजीब सी डरावनी आवाज आती है, मानो फार्म हाउस 3 साल नहीं बल्कि 300 साल से बंद हो। और नील कहता है, अबे यार पहले की तरह एक नौकरानी रखने देना जो यहाँ की साफ सफाई कर दे, कितनी धूल मिट्टी है। तू बोल तो दोबारा एक नौकरानी ले आता हूँ। नेकी और पूछ। ये बोलकर वो चारों लड़के हॉल की खुद ही सफाई कर लेते हैं और अपने फोन से म्यूजिक चलाकर हाथ में बोतल लिए नाचने लगते हैं। आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर पीने का इरादा है। डिंग 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 डिंग। जॉनी जॉनी। हाँ जी। तूने पी है? ना जी। मुंह को खोलो। हाँ जी। झूठ बोलिया? ना जी। नो 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 नो, मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है। हाँ जी मैंने पिला दी गई है, जो भी है सही है, मजा आ रही है।
चारों जोर शोर से अपना नाच गाना कर रहे थे। तभी ऊपर से झूमर गिरकर मोहन के सर पर लग जाता है, जिससे उसके खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसके होश में आते ही उसके सर पर पट्टी लगी होती है और वो कहता है, आ, 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 मैं कहाँ हूँ? अबे साले, याददाश्त भूलने की एक्टिंग कर रहा है क्या? हम तीनों तेरे कमीने दोस्त हैं। हाँ, याद आ गया मुझे, तुम तीनों की मनुष्य वाली शक्ल देखो, तुम तीनों मेरे ही हो सकता है। चोट कैसे लग गई? पता नहीं कैसे, तेरे सिर पर वो बड़ा सा झूमर गिर गया, हमें तो लगा तो तू बचेगा ही नहीं। चारों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि उस रूम के सामान की तोड़फोड़ होने लगती है। फिर उनके पीने की बोतल उन चारों के सर पर लगातार फोड़ती है और चारों दर्द से चिल्लाकर कहते हैं, कौन है यहाँ, कौन कर रहा है ये सब? अरे मोहन को जल्दी से रूम से बाहर ले चलो, ये बोतल फेंकना तो बंद ही नहीं हो रहा। चारों दोस्त अपनी जान बचाते हुए उस रूम से मोहन को लेकर दूसरे कमरे में जाते हैं। तभी उनके पास से चमगादड़ उड़ कर जाते हैं। फार्म हाउस की सारी लाइट जलने बुझने लगती है, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। ये देखकर चारों डर जाते हैं और बोलते हैं, कौन है यहाँ, कौन कर रहा है ये सब? मोहन, तेरे फार्म हाउस में कोई रहता था क्या पहले से? नहीं यार, यहाँ कोई भी नहीं रहता था पहले से। चारों को मार दिया जाए, क्योंकि अपने खून का बदला तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, एक एक करके तड़पा तड़पा कर चारों को मारेंगे। एक बार में एक साथ मार दिया तो क्या मजा आएगा, थोड़ा मजा लेते हैं। कितने टाइम बाद हमारे मालिक आए हैं। सही बोली तू, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो पहले उस नीली शर्ट वाले को मार देते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बोलते ही वो चुड़ैल कपिल को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। ये देखकर बाकी दोस्त हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल कपिल को बहुत मारती है, उसके हाथ पैरों से खून बहने लगता है। तभी वो कहती है, क्यों मालिक, कैसा लगा, आपको जूस चाहिए या फिर यहाँ मरना पसंद करेंगे? कौन हो तुम, कहीं तुम त्रिशा और वैशाली तो नहीं हो? अरे तूने तो हमें बहुत जल्दी पहचान लिया, चल अच्छी बात है, तुझे ये तो पता है कि तू किसके हाथों मरने वाला है। त्रिशा, तू मार डाली से और वैसे ही मौत दियो जैसे इसने हमें तड़पा तड़पा कर दी थी। भागो भागो, चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। जैसे ही चुड़ैल नील को भागता हुआ देखती है, तभी वो सारे दरवाजे बंद कर देती है और दूसरी चुड़ैल कपिल को एक झटके में मार देती है। अब किसकी बारी है? हाँ, अब तू मरेगा राजीव, तू। ये बोलते ही चुड़ैल उसे जमीन पर इतना पटकती है कि उसे अधमरा कर देती है। फिर उसके चेहरे पर अपने लंबे नाखूनों से इतना खरोचती है कि अब उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आती, जिसके बाद वो दर्द से मर जाता है। ऐसे दो हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों चुड़ैल इतने दिन तक मोहन और नील को परेशान करती हैं। वो इतना डर जाते हैं कि अकेले सोते भी नहीं थे। चुड़ैल उन्हें बार बार मारती थी और फिर छोड़ दिया करती थी। दोनों फार्म हाउस से बाहर जाने की जितनी भी कोशिश करते, उतनी ही वो चुड़ैल उनका बुरा हश्र करती थी। मदन नाम का रिपोर्टर डरावनी जगह को ढूंढते हुए उस फार्म हाउस पर आ जाता है और वहां की जगह के बारे में नोटिस करता है। रात में रिपोर्टर को बेहद डरावनी दो औरतों के रोने की आवाज आती है। और कौन हो आप? बोलो। मैं त्रिशा हूँ और ये वैशाली। क्या आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए, बताइए। हाँ, हेल्प चाहिए। मैं अपनी सहेली वैशाली के साथ इस फार्म हाउस पर चार लड़कों के साथ उनकी सेवा करने आई थी। कुछ पैसे कमाने के लिए हम दोनों ने नौकरानी बनने से समझौता कर लिया। वो लड़के जब जूस और खाने पीने की चीजें मंगवाते थे, हम दोनों वो लाते। ऐसे ही एक बार वो बोलते हैं, अरे मेरी रानी, जरा नाच के तो दिखाओ। नहीं नहीं, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गोरी वाली वैशाली, तू नाच, अरे नाच ना। साहब, हमें नाचना नहीं आता, हमें जाने दीजिए, बर्तन साफ करने हैं।
अरे छोड़ बर्तन, हम तुझे रानी बना रहे हैं, तू नौकरानी बनना चाहती है? मैं इन दोनों से नाच करवाता हूँ, अभी रुको। ये बोलते ही कपिल जबरदस्ती दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें नचाता है। बाकी के तीनों दोस्त उन नौकरानियों का मजाक उड़ाते हैं और फिर नशे की हालत में उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और जबरदस्ती डांस भी करते हैं और फिर चारों उन दोनों पर हावी होकर उनकी जान ले लेते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या, ये तो मर गई। अरे यार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, अब ऐसा करो जल्दी से इसे दफना दो इसी फार्म हाउस के पीछे। ये बोलते ही चारों दोस्त उन दोनों लड़कियों की लाश को दफन कर देते हैं और वहाँ से ताला लगा कर चले जाते हैं। उसी के बाद से हम दोनों की आत्मा यहाँ भटकती है। इसका मतलब आप दोनों मर चुकी हो, तो मुझे कैसे दिख रही हो और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ अब? हमसे डरिए मत, हम इन्हें मार कर अपना बदला तो ले लेंगे, लेकिन हमारे बारे में ये बात कोई नहीं जानता। मैं चाहती हूँ ये बात बाहर का समाज भी जाने और इनकी दरिंदगी के बारे में भी जाने, और ये काम आप ही कर सकते हैं और आप ही हम दोनों को मुक्ति दिला सकते हैं। यहाँ हमें दफन किया गया है और आप हमारी अस्थियों का विसर्जन करवा दीजिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते ही रिपोर्टर चुड़ैल का साथ देता है और वो चुड़ैल उस रिपोर्टर की आंखों के आगे ही उन दोनों लोगों को बेरहमी से मार डालती है। दोनों चुड़ैल उनके दफन की जगह पर रिपोर्टर को ले जाती है और रिपोर्टर विधि पूर्वक उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देता है। और अगले दिन अखबार में उन दोनों लड़की की सच्ची घटना को समाज के आगे उजागर करता है। इस तरह वो दोनों चुड़ैलें अपने खून का बदला उन चारों लड़कों से ले लेती हैं। दूल्हा मारने वाली चुड़ैल। वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं। गांव में शादी का माहौल था, चारों तरफ बारातियों की भीड़ भाड़ और बैंड बाजे का शोरगुल था। मंडप में बैठे पंडित विवाह मंत्र उच्चारण कर रहे थे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तभी अचानक जोर शोर से बादल गरजने लगते हैं और उसके साथ ही भयंकर तूफान उठता है, जिसके साथ एक भयानक चुड़ैल आसमान को चीरती हुई मंडप में कूद कर कहती है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है, क्यों दूल्हे राजा बड़ा उतावला है तो शादी के लिए। चुड़ैल को देखकर दूल्हे की चीख निकल जाती है और खौफ से लोग एक दूसरे को कुचल कर भागने लगते हैं। और वो कहता है, चुड़ैल बचाओ, अरे मुझे छोड़कर तुम सब कहाँ भाग रहे हो? अरे कैसे भूखे और मतलबी पारादी है ये, बेचारी दूल्हे राजा को चुड़ैल के चंगुल में छोड़कर चल दिए। थोड़ी देर पहले तक तो जो दुल्हन तेरे साथ सात जन्म के कस्मे खा रही थी वो भी तुझे मरने के लिए छोड़ गई। अरे तुम मुझसे चाहती क्या हो, कौन हो तुम? मैं हूँ दुल्हा मारने वाली चुड़ैल। बहुत पढ़ लिया तो उन्हें विवाह के मंत्र पंडित, अपनी जान की सलामती चाहता है तो चल अब इसके क्रियाकर्म के मंत्र शुरू कर। शरीर प्राण आत्मा स्वाहा कुरुत्वा। डरावनी चुड़ैल अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर एक चमचमाती पैनी तलवार प्रकट करके मोहित की छाती पर जा कूदती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग करके कहती है, स्वाहा। सुन लो गांव वालों, अगर अपने घर के चिरागों को जिंदा देखना चाहते हो तो दोबारा उनके सर पर दूल्हे का सेहरा सजाने की भूल मत करना, वरना उन सभी का भी यही हश्र होगा। आखिर कौन है ये दूल्हा मारने वाली चुड़ैल, क्यों इतनी बेरहमी से चुड़ैल तमाम दूल्हे को मार रही है? आइए सच्चाई के तह तक पहुंचने के लिए कहानी में कुछ साल पीछे का रुख करते हैं। मीठी अपने माता पिता के संग हरिद्वार गांव में रहती थी। वक्त आया जब मीठी 18 बरस की हो गई और उसकी माँ कहने लगी, आपको कोई चिंता है कि नहीं, बिटिया जवान हो गई है, अब हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं कल ही पंडित से कहता हूँ उसके लिए अच्छे रिश्ते देखने को। पंडित द्वारा भेजे गए संकेत नाम का लड़का अपनी माँ कामिनी के साथ चलकर उनके घर आता है, जहाँ कामिनी कहती है, बीए पढ़ा है मेरा बेटा, ऊपर से इकलौता है, आपकी बेटी के तो भाग खुल गए। बेटी खुश रहे, इससे बढ़कर माँ बाप को क्या चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर अब लेन देन की बातें कर ली जाए।
वैसे तो हमारी बेटी मीठी जो है वो रूप के साथ बड़ी गुणवान भी है। सो तो है, लेकिन दहेज तो हर बेटियों के बाप देते हैं। ज्यादा कुछ मांगे नहीं है, घर का सामान तो आप देंगे ही, 2.5 लाख कैश और एक आध गाड़ी बस। मोहन बिना मोल भाव कर लड़के वालों की मांग को स्वीकार कर लेता है और उनकी जाते ही सरला कहती है, आपने बिना कुछ सोचे हामी तो भर दी, लेकिन दहेज की इतनी मोटी रकम हम गरीब कहाँ से लाएंगे। सरला तुमने शायद देखा नहीं, हमारी बेटी मीठी की आंखों में होने वाले दामाद के लिए कितने अरमान और सपने थे। अगर अपनी बेटी की खुशियां खरीदने के लिए मुझे अपनी जाओं भी दान पर लगानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों की बातें मीठी सुन लेती है और आंखों में आंसू लिए हुए अपने पिता के पास आकर कहती है, सचमुच बेटियां माँ बाप के लिए बोझ ही होती हैं। मेरी शादी के लिए आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा तो मुझे नहीं करनी शादी वादी। बिटिया तो इन सभी बातों की चिंता ना कर, घर का क्या है ये तो हम फिर बना लेंगे। माँ बाप के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और खुशी का पल होता है, इससे ये खुशी हमसे छीन मत गुड़िया। वक्त गुजरने के साथ शादी का दिन आता है। मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन को रोकते हुए कामिनी कहती है, ये शादी नहीं हो सकती पंडित जी। पर क्यों समधन जी, हमसे कोई भूल चूक हुई है क्या? क्या सोचा था, ये नकली दहेज का सस्ता और खोखला सामान देकर तुम मेरे बेटे को खरीद लोगे? 4 चक्के की गाड़ी क्या तुम्हारा बाप देगा? अपना सब कुछ बेचकर हमने इतना दहेज इकट्ठा किया है, मैं विनती करता हूँ भरे समाज में मेरी पगड़ी मत उछालिए। समधन जी मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। संकेत जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिना दहेज के हम जिंदगी पर तुम्हारा बोझ क्यों उठाएंगे? मुझे नहीं करनी इन फकीरों के घर शादी, चलो माँ। शादी टूटने का गम मीठी बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने कमरे में जाकर पंखे से लटक कर कहती है, बाबा मुझे माफ कर देना, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये मेरा वादा है कि मरने के बाद मैं किसी भी दुल्हे को जिंदा नहीं रहने दूंगी। इस तरह वो मरकर चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल आसमान की ऊंचाई छूते हुए दूल्हे को मारकर चली जा रही थी, तभी एक रास्ते से बाजे के साथ घोड़ी पर सवार दूल्हा नजर आता है उसे, जिसे देख खूनी चुड़ैल गुस्से से बौखला कर कहती है, इसने घोड़ी चढ़कर और सेहरा सजाकर अपनी मौत को बुलावा दिया है, अब इसको भी मरना पड़ेगा। चुड़ैल घोड़ी पर बैठे दूल्हे के पीछे सवार होकर कहती है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चुड़ैल को देख दूल्हे की चीख निकल जाती है, चुड़ैल अरे कोई बचाओ मुझे। तो दूल्हे राजा ने सेहरा उठा ही लिया, शहनाई क्यों रोक दी, बजाओ। शहनाई वाले डर के मारे शहनाई बजाने लगते हैं और चुड़ैल दूल्हे का सिर काटकर वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में चुड़ैल की सच्चाई सबको पता लगने पर वो चुड़ैल के माता पिता के घर जाकर कहते हैं, गजब हो गया मोहन भाई साहब, आप सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? अरे भाई आपकी बेटी मीठी चुड़ैल बनकर लौट आई है, उसने गांव के कई दूल्हों को मार डाला, पूरे गांव पर उसका दहशत मंडरा रही है। मरते वक्त मीठी ने कहा था कि वो आएगी। यजमान मीठी अपनी मौत का कसूरवार सभी दूल्हों को मानती है, जिसके भी सिर पर वो सेहरा देखती है उसकी द्वेष की भावना और ये ज्वाला भड़क उठती है। उसके कहर को रोकना हमारे बस की बात नहीं, आप ही उसको रोक सकते हैं क्योंकि आपका उससे खून का रिश्ता है। वो अपने दूल्हे संकेत के पास ही गई होगी क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। चुड़ैल शादी में बने कव्वाली मंच पर बैठ जाती है, तभी कामिनी कहती है, तुम कव्वाली वालों को मुंह देखने के लिए थोड़ी बुलाया है, रंग जमाने को बुलाया है। चुड़ैल अपना खूंखार चेहरा ऊपर उठाकर गाती है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, चेहरा भी जाना पहचाना लगता है। चुड़ैल के पीछे बैठे सभी गायकार उठकर भागने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। फिर चुड़ैल संकेत के पास आकर कहती है, नई दुल्हन के आते ही पुरानी दुल्हन को भूल गए संकेत। मीठी तुम चुड़ैल कैसे बनी? तुम जैसे दहेज के लोभियों के कारण मैंने मजबूरन अपनी जान दे दी, अब मैं तेरा भी सर कलम कर दूंगी। माफ कर दो मुझे, मत मारो। कैसे माफ कर दूं तुझको, क्यों रे कमीनी लालची, तू भी नहीं बचेगी, तुम जैसे दरिंदों के लिए कोई माफी नहीं।
चुड़ैल संकेत की गर्दन उखाड़कर मंडप की धधकती आग में फेंक देती है। तभी सभी वहां आकर कहते हैं, रुक जा गुड़िया, शांत हो जा, अरे रोक दे इस मौत के खेल को। माँ, पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बिटिया, तेरा कातिल सिर्फ संकेत था जिसे तूने मार डाला, बस यही रोक दे इस मौत के खेल को। नहीं पिताजी, इन दहेज के लालचियों को जीने का कोई हक नहीं है। अपने बेटे की शादी नहीं सौदा करते हैं ये, इसीलिए मैं दूल्हे को मार डालती हूँ। ना जिंदा रहेगा दूल्हा, ना होगी उसकी शादी। बिटिया, जैसी पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान एक सा नहीं होता। हाँ बिटिया, बस बहुत खून की होली खेली तूने, अब अपनी दुनिया में लौट जा। चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम मानने को तैयार हैं। तुम सभी को दहेज प्रथा को जड़ से मिटाना होगा। अगर भविष्य में किसी दूल्हे के परिवार वालों ने किसी भी लड़की वाले से दहेज की मांग की, तो मैं वापस आकर उनके बेटों के दूल्हे के लिबास को कफन में बदल दूंगी, मार डालूंगी उन्हें। हम वादा करते हैं, आज के बाद कोई दहेज लेना तो दूर दहेज का नाम भी नहीं लेगा। और अगर कोई दहेज मांगेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चुड़ैल की आत्मा मुक्त होकर चली जाती है और उस दिन के बाद से गांव में सदा के लिए दहेज पर पाबंदी लगा दी जाती है, जिसके बाद कोई भी दूल्हा फिर कभी नहीं मरता। चुड़ैल और भूतिया चूहे का आतंक। रात के समय एक शराबी शराब पीता हुआ जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने विशाल भूतिया चूहे पर सवार चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर शराबी बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या बला है, इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया, अरे भागता हूँ यहाँ से वरना बिना मौत मारा जाऊंगा। जिसके बाद शराबी वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल और भूतिया चूहा उसे घेर लेते हैं और चुड़ैल बोलती है, अपनी मौत से भला आज तक कोई बच पाया है? जो तू बचने की कोशिश कर रहा है मूर्ख इंसान, और तूने मुझे बहुत दौड़ाया, अब देख उसकी सजा मैं तुझे कितनी खतरनाक देती हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से, बचा बचा। इतने वीराने में कोई तुझे बचाने वाला नहीं आने वाला, अब तू मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन को अपने हाथ से उखाड़ देती है, जिससे शराबी की वही मौत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल और भूतिया चूहा उसके मांस को नोच कर खा जाते हैं। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस रात मोहन और गोपाल बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौट रहे होते हैं। तभी मोहन बोलता है, ये सरकार को क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो गरीबों को भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी महंगी सब्जियां और अनाज नहीं खरीद सकते। कह तो तू सही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, घर भी पहुंचना है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल और भूतिया चूहे आ जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की, पहले हमारी भूख तो मिटा दो फिर चले जाना। अपने सामने चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोनों चुड़ैल से बोलते हैं, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें यहाँ से, हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तुम क्यों हमें मार रही हो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी इन इंसानी बातों से नहीं पिघलने वाली बेवकूफ इंसानों, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों की गर्दन पर अपने नुकीले नाखून से वार करती है और उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल और उसका भूतिया चूहे उनकी मांस को नोच कर खा जाते हैं। अगले दिन सुबह उन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर वो लोग आपस में बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है और आखिर कब तक हम इन समस्याओं को झेलते रहेंगे, बहुत हो गया, अब हमें इसका समाधान ढूंढना ही होगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, अगर अब हम लोगों ने कदम नहीं उठाया तो कहीं देर ना हो जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि आज ही हम तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और उन्हें गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताएंगे। जिसके बाद वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और दिनेश बाबा से बोलता है, बाबा पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में बहुत ही अजीब और गरीब घटनाएं घट रही हैं, लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा गांव के लोगों को कौन मार रहा है बाबा,
और जब सुबह उनकी लाश मिलती है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी जंगली जानवर ने उनका मांस नोच नोच कर खाया हो। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी और हमारे गांव की रक्षा करिए बाबा। तुम दोनों घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपनी इंद्रिय शक्तियों से पता करता हूँ कि वो कौन है जो लोगों को मार रहा है। इतना बोलकर बाबा अपनी आँख बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाकर थोड़ी देर बाद आँख खोलकर बोलते हैं, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं बल्कि चुड़ैल और भूतिया चूहे का है, वही तुम्हारे गाँव में मौत का तांडव कर रहे हैं। तो बाबा कोई तो उपाय होगा उन्हें रोकने का? उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल और भूतिया चूहे को यहाँ बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रहे हैं। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल और भूतिया चूहा तड़पते और झटपटाते हुए वहाँ आते हैं और चुड़ैल बोलती है, क्यों बुलाया है तूने हमें यहाँ तांत्रिक? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुझे ना सही, लेकिन कम से कम इन लोगों का ही सोच लिया होता, अब तेरे साथ साथ हमें इन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होगा। तो मेरी चिंता करना छोड़ दे, तो मुझे ये बताओ कि क्यों तुम दोनों इन लोगों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? तूने क्या हमें अपना गुलाम समझ रखा है जो तेरे पूछने पर हम तुझे सब कुछ बता देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख तांत्रिक, इसीलिए अब तू हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर और हमें यहाँ से जाने दे। अपनी हद पार मत कर चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर? रुको, मैं इसी वक्त तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतिया चूहे पर भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से वो दोनों तड़पने लगते हैं और चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम श्रेया है और ये चूहा मेरा प्रेमी राजवीर है। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही राजवीर का मेरे पास फोन आता है और वो मुझसे बोलता है, श्रेया अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या आज हम पहाड़ी वाले जंगल में मिल सकते हैं? ठीक है, आज शाम 5 बजे हम दोनों वहाँ मिलेंगे, लेकिन हाँ तुम टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी वाले जंगल पर मिलते हैं। तभी श्रेया की नजर पेड़ के नीचे बैठे तपस्वी पर पड़ती है, जो कई सालों से तपस्या में लीन होते हैं। उनकी बाल किसी जटाओं की तरह उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। तभी श्रेया और राजवीर उनके पास जाते हैं और उनकी जटाओं से खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से तपस्वी की आँख खुल जाती है और वो क्रोध में आकर बोलते हैं, तुम दोनों की वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये खूबसूरत रूप एक चुड़ैल में बदल जाए और तुम्हारा ये प्रेमी एक चूहा बन जाए और तुम दोनों सदैव एक दूसरे के लिए तड़पते रहो। हमें क्षमा कर दीजिए तपस्वी जी, ये भूल हमसे अनजाने में हुई है, इसकी हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उन दोनों के पश्चाताप के आंसू देख तपस्वी को उन पर दया आ जाती है और वो बोलते हैं, इस श्राप का बस एक ही तोड़ है, अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए लाल घाटी से वो चमत्कारी पत्थर लाकर तुम्हारे माथे पे चिपका दे तो तुम्हारा सारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। इतना बोलकर तपस्वी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी से हम इस श्रापित रूप से लोगों को मार रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम श्राप मुक्त हो जाएंगे और गाँव में मौत का तांडव बंद हो जाएगा। कृपया करके हमारी मदद करिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद तांत्रिक खुद लाल घाटी जाते हैं और वहां से वो चमत्कारी पत्थर लेकर आते हैं और फिर उन दोनों के माथे पर डाल देते हैं। जैसे ही पत्थर उनके माथे को छूता है, वैसे ही वो दोनों अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और वो दोनों तांत्रिक बाबा से बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमारी इतनी मदद की, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते। बाबा आपने हमें समझा और हमें श्राप से मुक्त किया, उसके लिए शुक्रिया। और अपने अहंकार में आकर जो बदतमीजी मैंने आपके साथ की, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम दोनों को पहले ही माफ कर दिया था, अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लिफ्ट मांगने वाली चुड़ैल। मुंबई के इतने बड़े शहर में एक छोटे से बस स्टॉप पर रात के 11 बजे एक औरत बस का इंतजार कर रही होती है। अरे आज तो बस आई नहीं, एक काम करती हूँ किसी से लिफ्ट मांग लेती हूँ। तभी वो औरत एक बाइक वाले को रोकती है और उसे कहती है,
भाई साहब, क्या मुझे आप पुणे तक छोड़ देंगे? मेरी बस आज आई नहीं और मेरे पति और मेरी बिटिया मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। वो आदमी उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखता है, जिसके बाद वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बैठो, छोड़ देता हूँ। वो औरत उस आदमी की बाइक पर बैठकर जाने लगती है। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद एक जंगल आता है, जहाँ वो औरत उस आदमी से कहती है, अरे बस बस मुझे यहीं छोड़ दो, अब यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। वो आदमी अपनी बाइक रोकता है और उस औरत से कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, एक तो तुम इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से इतने घने जंगल में रुकने के लिए कह रही हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? क्या तुम नहीं जानती आजकल कितने बुरे बुरे लोग औरतों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं? देखिए भाई साहब, आप भले आदमी लगते हैं, आपने मुझे यहाँ छोड़ा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे चला जाऊँ, और किसने कहा कि मैं कोई भला आदमी हूँ? मेरे जितना बुरा इंसान तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये कहकर जैसे ही वो आदमी उस औरत की तरफ बढ़ रहा होता है, वैसे ही वो औरत एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में अपना रूप बदल लेती है, जिसे देखकर उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों में चुड़ैल का खौफ साफ नजर आने लगता है। चुड़ैल, तुम एक चुड़ैल हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा कभी भी किसी औरत के ऊपर बुरी नजर नहीं डालूंगा। मैं तो जानती थी तुम एक गलत आदमी हो और तुम जैसे दुष्ट लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। बुरी नजर डालने लायक जब मैं तुझे छोड़ूंगी, तभी तो तू किसी औरत पर बुरी नजर डालेगा। ये कहकर चुड़ैल उस आदमी को जान से मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन शहर के लोगों को वहाँ उस आदमी की लाश मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन मुजरिम का कोई पता नहीं चलता। जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, फिर से वही औरत उसी बस स्टैंड पर खड़ी हुई बस का इंतजार कर रही होती है और बस ना आने पर वो लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है, जिसके बाद फिर से एक कार वाला उसकी मदद करने के लिए उसे लिफ्ट दे देता है और वो आगे जाकर उसको भी जान से मार देती है। ऐसे ही हर रोज उस रास्ते पर एक ना एक लाश मिलती रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन एक अनुराग नाम का लड़का अपनी पत्नी आराध्या के साथ उसी रास्ते से जा रहा होता है। अनुराग और आराध्या की अभी नई नई शादी थी और वो दोनों कुछ टाइम एक साथ बिताने के लिए अच्छी सी जगह जा रहे थे। हमारी शादी को एक महीना हो गया है और हम किसी अच्छी जगह नहीं गए। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट लेकर जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम दोनों एक साथ अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। इतने में वही औरत उनकी कार के सामने खड़ी होकर उनसे लिफ्ट मांगने लगती है। भैया मुझे लिफ्ट दे दो, पुणे जाना है, मेरी बस नहीं आई, मेरे पति और मेरी बिटिया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उस औरत की बात सुनकर अनुराग कार से बाहर निकलता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है इतनी रात में किसी से लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए? तुम एक औरत हो, ऊपर से सुंदर भी हो, अगर कोई तुम्हारा गलत फायदा उठा ले तो? ऊपर से इतनी रात हो रही है और रात में कितने बुरे लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। अनुराग का ये व्यवहार देखकर उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी समय अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे भाषण देगा, तुझसे एक लिफ्ट क्या मांग ली, तूने तो नेताजी की तरह भाषण दे दिया। तुम जैसे लोग कभी दूसरों की मदद नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। ये कहकर चुड़ैल उसे मारने ही वाली होती है। इतने में कार से आराध्या निकलकर बाहर आती है और चुड़ैल से कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, मेरा सुहाग मत उजाड़ो, अभी अभी मेरी शादी हुई है। जैसे ही चुड़ैल आराध्या को देखती है, उसकी नजर उसके लाल जोड़े और हाथ में पहने हुए लाल चूड़े के ऊपर पड़ती है और तभी उसकी नजर उसके गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखते ही उस चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए आराध्या से कहती है, मेरी बच्ची तुम इतनी बड़ी हो गई, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने शादी भी कर ली। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? चुड़ैल का ये बर्ताव देखकर आराध्या अचंभित रह जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वो चुड़ैल से पूछती है, अरे कौन हो तुम और मुझे अपनी बेटी क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आराध्या बेटा ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ
और मैं तुम्हें अच्छे से पहचान सकती हूँ। ये बताओ तुम्हारे पिता रंजीत जी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? चुड़ैल के मुंह से अपना और अपने पिता का नाम सुनकर आराध्या अचंभित रह जाती है। आपको मेरा और मेरे पिता का नाम कैसे पता है? कौन हो आप? मेरी माँ तो मेरे पिता की गरीबी को देखकर मुझे और मेरे पिता को छोड़कर चली गई थी। फिर तुम कौन हो? और अगर तुम मेरी माँ हो तो तुम्हारा ये हाल किसने किया? नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़कर नहीं गई थी। तुम हकीकत नहीं जानती हो। उस रात जब मैं अपनी ड्यूटी पर से सैलरी लेकर घर की तरफ आ रही थी तो मैं इस बस स्टैंड पर खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी जिस कारण बस बहुत ज्यादा लेट थी। अरे आज तो बस आई ही नहीं, ऊपर से इतनी तेज बारिश भी हो रही है, अब क्या करूं? मेरी प्यारी बच्ची आराध्या मेरा इंतजार कर रही होगी और उसके पिता तो मेरे आने की चिंता में बैठे होंगे। मैं बहुत देर तक बस का इंतजार करती रही लेकिन बस नहीं आई। फिर हार कर मैंने कुछ लोगों से लिफ्ट मांगी जिसके बाद उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, लेकिन उन लोगों ने आगे जाकर जंगल में अपनी गाड़ी रोक दी और मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं यहाँ वहाँ इस रास्ते पर भटकने लगी। तब से मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रास्ते से गुजरने वाले हर बुरे इंसान को मैं जान से मार दूंगी, ताकि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ फिर कभी किसी औरत के साथ ना हो। अपनी माँ की दुख भरी कहानी सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस रात जब आप वापस नहीं आए तो मुझे और पिताजी को ये लगा कि आप चंद पैसों के लिए हमें छोड़कर कहीं भाग गई हो। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें हर रोज याद करती थी, मरने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचा करती थी। आओ मेरे पास आओ, एक बार मुझे तुम्हें गले से लगाने दो। आराध्या चुड़ैल के पास आ जाती है और चुड़ैल उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं। तभी आराध्या रोते हुए अपनी चुड़ैल माँ से कहती है, माँ जो हुआ उसे भूल जाओ, न जाने कितने बेकसूर लोगों की आपने जान ले ली होगी। अब ये मौत का तमाशा बंद करो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। इसी में सबकी भलाई होगी और मैं पिताजी को आपकी पूरी हकीकत के बारे में बताऊंगी। आराध्या की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और आराध्या से कहती है, ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं आइंदा फिर कभी भी इस रास्ते पर किसी को भी नहीं मारूंगी और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल आसमान की तरफ उड़ते हुए गायब हो जाती है।